गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक्सरसाइज 2.2। ओके, सो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया कर दिया था, अचानक से वीडियो पॉज हो गई। ओके, हम यहाँ देख सकते हैं हाउ टू मैनी ज़ीरोज़ हियर। ओके, सो हमें क्या करना होगा, जब हमें कोई भी डेसिमल नहीं दिख रहा है तो यहाँ वो डेसिमल कहाँ पे हो सकता है, वो डेसिमल सबसे राइट एंड पे, ठीक है, यहाँ हो सकता है। हमें इस डेसिमल को प्लेस करना होगा 6 से जस्ट वन प्लेस बिफोर, ठीक है। तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, देयरफॉर 6.02 इंटू 10 to the power 15। ये 15 कहाँ से आया, डेसिमल मूव 15 प्लेसेस टू लेफ्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें देखते हैं, यहाँ पे डेसिमल हमारे लेफ्ट प्लेस पे है और हमें इसे राइट प्लेस तक 7 के जस्ट बाद यहाँ तक पहुँचाना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इट मीन्स 7.567, ओके, इनटू 10 to the power -15। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, यहाँ डेसिमल के लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं है, ठीक है, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, यहाँ डेसिमल ज़ीरो के बाद इतने ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब भी हम डेसिमल को, ध्यान देना, जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड जाएंगे तो ये पावर में 15 होगा। जब भी हम डेसिमल को लेफ़्ट साइड से लेकर राइट साइड में जाएंगे तो ये पावर छोटी होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई तो 10 to the power -1 हो गई, यहाँ आई तो 10 to the power -2, यहाँ हो गई तो 10 to the power -3 हो गई, ठीक है, ये छोटी होती जाएगी। जब भी हम इसे लेफ़्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे तो ये पावर क्या होगा, पावर में माइनस होगा, ठीक है। और इसे देखो आप, जब भी हम इसे डेसिमल को लेकर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव होगी, हम इसे डेसिमल को लेकर राइट साइड में जाएंगे तो ये पावर नेगेटिव होगी। ओके, 7.5 × 10 to the power 14 करना है। तो ध्यान देने लायक बात ये है, देखो हमें इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमें इस डेसिमल को ले आना होगा यहाँ, ठीक है। यानी सबसे पहले डेसिमल कितने प्लेस मूव करेगी, 1, 2, 3 प्लेस, तो डेसिमल 3 प्लेस मूव कर दी, ठीक है, यानी 5, 3, 7, 5। ओके, इनटू डेसिमल 3 प्लेस मूव हो गई, ठीक है, इनटू अब हमारे पास कितना रह गया, अब हमारे पास 3 प्लेस तो मूव हो गई, तो अब हमारे पास इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी 14 - 3 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 5, 3, 7, 5 × 10 to the power 11। ओके, बस इसके बाद तो आसान हो गया ये काम। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बस ज़ीरोस पुट करने हैं, 5, 3, 7, 5, 11 ज़ीरोज़, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, दैट्स इट, दिस इज़ योर यूजुअल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 7.579, इसमें जब हम यहाँ पावर देखना, यहाँ पावर किस में है, माइनस में है, ठीक है, तो इसकी तरह का कुछ नंबर हमारे सामने बनकर आएगा, ठीक है। 7.579 × 10 to the power -14 है, ठीक है, इट मींस ये केस एग्जैक्टली ऐसा है, 7.579 × 10 to the power 14। जब भी पावर माइनस में होता है तो हम उसे नीचे लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर, ठीक है, ओके, इक्वल टू। अब हम क्या करें, अब ये नंबर्स, अब आप जानते हो कि जब नीचे 100,000 हो तो यू कैन पुट इट इन डेसिमल, ओके, कैसे पुट कर सकते हो आप इसे, आप लिखोगे, देखो ये तो ऐसे ही आप लिखोगे 0, ठीक है, डेसिमल मूव करेगा इधर की तरफ, ठीक है, वन प्लेस, और उसे मूव कितना करना है, 14 प्लेस, डेसिमल यहाँ से इधर मूव करेगा
वन प्लेस है ना, अभी से मूव कितना करना है 14 प्लेस, यानी इसके आगे 14 जीरोज, 13 जीरोज, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 7, 5, 7, 9, देखो चेक कर लो, रिवर्स में चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, देख रहे हो 10^-14, यहाँ का केस क्या था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसलिए यहाँ पावर क्या था 10^-15, ठीक है। सो दिस इज़ योर कन्वर्जन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, दिस इज़ योर यूजुअल फॉर्म, आई डोंट लाइक दिस यूजुअल फॉर्म, ये इतना बड़ा हो जाता है इसलिए हम इसे छोटे फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे ऐसी क्वांटिटीज लेंगे जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, जैसे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, देखो इतना छोटा चार्ज है ये कि 0.000000000000000000000000000016 कूलम, बहुत छोटा चार्ज है। तो डायरेक्टली सबसे पहले हम इसे 1.6 लिख लेते हैं, फिर इनटू, अब देखते हैं कि पावर कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10^-19 कूलम्ब, ठीक है। ये एक यूनिट चार्ज होती है, ये एक यूनिट चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे फिक्स चार्ज होती है ये, 1.6 × 10^-19। चलो अब स्पीड ऑफ लाइट को कन्वर्ट करके देखते हैं, देखो डेसिमल किधर है, इधर है, जब इसमें कहीं डेसिमल नहीं दिख रही है तो डेसिमल किधर है, राइट साइड में है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके, इट मीन्स 3.0 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, डेसिमल कहीं नहीं दिख रही है तो डेसिमल किधर है, राइट साइड में है, तो काउंट करते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि 5.970 × 10^24, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ। कंपेयर द फॉलोइंग, साइज ऑफ ए प्लांट सेल टू थिकनेस ऑफ ए पीस ऑफ पेपर, इसके लिए तो सबसे पहले हमारे पास प्लांट सेल की साइज़ होनी चाहिए और थिकनेस ऑफ ए पीस ऑफ पेपर होनी चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग हमारी एक टॉपिक रह गई थी, ठीक है, वो टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं, तो इस टॉपिक में कुछ खास नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, कंपेयर द फॉलोइंग, साइज ऑफ प्लांट सेल टू थिकनेस ऑफ पेपर, ओके, तो सबसे पहले साइज ऑफ प्लांट सेल लिख लेते हैं, क्या होती है साइज ऑफ प्लांट सेल, आपको ये गिवन रहेगी, डोंट वरी, ठीक है। साइज ऑफ प्लांट सेल इज इक्वल्स टू, साइज ऑफ प्लांट सेल इज इक्वल्स टू 0.0000175 मीटर, ओके। थिकनेस ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ पेपर इज इक्वल्स टू 0.0016 सेंटीमीटर, ओके, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 0.00016 मीटर। नाउ अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर, ठीक है, 0.0000175/0.0000016, ठीक, दोनों में मीटर मीटर गेट कैंसल्ड,
अब हम इसे दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, 1.275 इंटू 10 टू द पावर। पावर डिसाइड कैसे करेंगे, देखो जीरो लेफ्ट साइड से कहाँ जा रहा है, राइट साइड की तरफ, तो पावर डिसाइड करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 10 टू द पावर माइनस 5। ओके, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 1.6 इंटू 10 टू द पावर व्हाट माइनस 5। ओके, सो क्या लिख सकते हैं हम इसको, वी कैन राइट इट 10 टू पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 5 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1.275 अपॉन 1.6, ठीक है 1.6। अब हम इसको नॉर्मलाइज करने के लिए ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें किससे कर दें, कॉमन नंबर से, 1, 2, 3, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटर रहेगा, या फिर चलो 1000 से कर देते हैं ऊपर और नीचे, फिर डिस्कस कर लेंगे इसको, इनटू 1000। ओके, देन 1275 ओके अपॉन 1600 1600, ठीक है नॉर्मली अब डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो व्हाट इज़ द आंसर, चलो देख लेते हैं। सो दिस आंसर वुड बी, डिवीजन कर लेते हैं हम यहाँ पे 1275 1600 से, ठीक है पॉइंट प्लेस करो, ज़ीरो आ जाएगा, 16 7 जा 112 1120, ठीक है 0 5 एंड 7 में से 2 गया, क्या बचेगा 5, हियर 1, 16 9 जा 1 4 4 0 0, ठीक है अब डेसिमल के आगे तो हम एक ज़ीरो बढ़ा ही सकते हैं अपने से, ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये डिवाइड तो आपको आती है, ठीक है 0 0 1 1, ओके फिर एक ज़ीरो ऑटोमेटिकली फिर इंक्रीज कर जाएगा, तो 16 हाउ मेनी टाइम्स, 16 अप्रॉक्सीमेटली 7, अप्रॉक्सीमेटली 7, ठीक है हम सीधा डायरेक्टली 7 लिख लेंगे अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.797, इट मीन्स इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो 7.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, सो बोथ आंसर इज करेक्ट। ओके चलो बच्चों, थैंक यू।